हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमी छपाना। अक्टूबर मंथ 2020 के लिए मैं आपके लिए मंथली रीडिंग लेके आई हूं, और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हूं रीडिंग का। थ्री कार्ड रीडिंग लेके आई हूं, और उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी अक्टूबर के मंथ में हर राशि के अनुसार आपकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, वीकनेस क्या रहने वाली है, और आपके लिए क्या एडवाइस रहेगा, और एक एंजेलिक मैसेज। ये आप सब जानते ही, आपको कैसे देखना है, जिस भी राशि से आप अपने कनेक्टेड फील करते हैं आप वही राशि देखिएगा। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नाम राशि, सन साइन, जैसे भी। और ज़रूरी नहीं है कि हर राशि के साथ आप 100% रेजोनेट कर जाएं। कई बार 60%, 70%, 90%, 95%, 100% भी जो है कनेक्ट हो जाते हैं। और आप देखिए आप कौन सी राशि के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको गाइड कर सकें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एरीज राशि पे। उससे भी पहले हम आपको ये बता दें कि आपकी लव रीडिंग्स तैयार हो रही हैं, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हैं, और बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही खूबसूरत होने वाली हैं। मुझे लगा पहले मैं आपके लिए मंथली रीडिंग कर दूँ। और भी पड़ाव आएंगे बहुत सारे, तो मैं आपको पहले ही दिखा दूँ कि मैंने अभी कार्ड्स नहीं निकाले हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे कार्ड्स इसी तरह से रखे हैं, यू कैन सी द कार्ड्स, ठीक है। और हम अब जो हैं, अब हम कार्ड्स शुरू कर रहे हैं, आपके सामने ही निकालेंगे। ये थ्री कार्ड रीडिंग है, चौथा कार्ड आपकी एंजल से आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए निकालेंगे कि एरीज राशि वालों के लिए स्ट्रेंथ क्या रहने वाला है। तो एंजल्स हमें बताइए, एरीज राशि वालों के लिए आप क्या संदेश लेके आए हैं। तो इनके लिए हमने पहला कार्ड निकाला, और हमारा पहला कार्ड आया द मैजिशियन। वाह क्या बात है, स्ट्रेंथ। उसके बाद आपके लिए हम दूसरा कार्ड निकालते हैं, दूसरा कार्ड आपकी वीकनेसेस के लिए, कि आपकी वीकनेस क्या रहने वाली है। तो वीकनेस के लिए भी देखिए हमने आपके सामने ही शफल करेंगे, और आपके सामने ही कार्ड निकालेंगे और देखेंगे। तो आपके लिए वीकनेसेस के कार्ड के लिए आया है प्लूरालिटी। अच्छा, अब उसके बाद आपके लिए एडवाइस क्या है, एडवाइस के लिए भी हम तीसरा अपना कार्ड का डेक खोल के आपका पहला कार्ड निकालेंगे और देखेंगे आपको एडवाइस क्या मिला है। ओके, चलिए इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद एंजेलिक मैसेज भी हम निकाल ही लेते हैं। हम चार चार डेक से इस बार रीडिंग कर रहे हैं, और दो एक एक कार्ड निकाल रहे हैं, पर एक एक कार्ड बहुत शानदार रहने वाले हैं। देखते हैं कि आपके लिए ये कार्ड क्या आया है, ये भी हम बाद में रीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एरीज राशि आपके लिए हम बात करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है। देखिए एरीज, आपके लिए स्ट्रेंथ के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन का कार्ड। और द मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि अक्टूबर के मंथ में आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, आपके पास सारे पांचों एलिमेंट्स रहने वाले हैं, पूरा कॉन्फिडेंस रहने वाला है, आत्मविश्वास, और एक होता ना एक्टिव माइंड और थॉट प्रोसेस खूब अच्छा, प्लानिंग खूब अच्छी, हर चीज़ को अच्छे तरीके से करना, अब ये अब ये अब ये। तो ये जो मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि ये आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, यानी कि आप कि एक तो हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, माइंड बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, प्लानिंग बहुत अच्छी होने वाली है, और आपके अंदर ना एक चतुर्य आ जाएगा, एक कहते हैं ना स्मार्टनेस आ जाएगी। इस मंथ आप बहुत स्मार्टली बिहेव करेंगे, स्मार्टली सोचेंगे, स्मार्टली काम करेंगे। तो एरीज, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपको मैजिशियन का कार्ड मिला है। तो जब आपको ये स्ट्रेंथ है, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो ठान लेंगे इस अक्टूबर के मंथ में एरीज राशि वाले, मेष राशि वाले, आप उसको करके छोड़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी का कार्ड लेके आया है। यानी कि आप जैसे जैसे सोचेंगे चीज़ें वैसे वैसे होती रहेंगी। अगर हम आपकी वीकनेस का कार्ड देखें, तो वीकनेस के लिए कार्ड हमारा आपके लिए आया है मोरालिटी। मोरालिटी यानी कि आप ठीक है, आपके पास हर चीज़ होगी, ताकत होगी, सोचने का आपको नज़रिया होगा, स्मार्टनेस होगी, सब कुछ होगा, हर चीज़ आपके हिसाब से चलेगी, वक्त भी आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन आप वीकनेस अपने कहते हैं ना, कई बार होता है कि हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं, अपनी सेल्फिशनेस को बीच में मत आने दीजिएगा। यानी कि अपना आप गलती से भी सेल्फिश एटीट्यूड मत अपना लीजिएगा, यानी कि अपना ही अपना मत सोचिएगा, दूसरों के लिए भी सोचिएगा। अगर आप दूसरों के लिए भी, उनके वेलबींग के लिए भी सोचेंगे,
आपके आपका फायदे के साथ साथ दूसरों का भी फायदा होने वाला है। यानी स्ट्रेंथ है आपकी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वीकनेस है आपकी कि हो सकता है आप सेल्फिश हो जाएं, आप सिर्फ अपने लिए सोचें, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचें, आप सोचें कि भाई मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मेरा काम हो गया, मुझे पैसे मिल गए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि हर चीज़ में आप सेल्फिश एटीट्यूड अपना सकते हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, वो आपकी वीकनेस रहेगा। तो इसीलिए आपके लिए एरीज राशि वाले, आपके लिए यही है कि अपनी स्ट्रेंथ को ज़रूर बरकरार रखिए, बट इसका इस्तेमाल उतना करिए जिससे कि जिससे कि आपको अपनी मोरालिटी के ऊपर आँच ना आनी पड़े। यानी आप कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा कर बैठें कि आपको लगे ओह मैंने क्या किया, बाद में आपको गिल्ट हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या लोग आपके बारे में बात करें। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को ओवर कॉन्फिडेंस में मत चेंज करिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आया है। आपके लिए एडवाइस आया है फैमिली हार्मनी, यानी कि आप तीनों कार्ड का जो है स्ट्रेंथ वीकनेस और एडवाइस को अगर हम मैच करते हैं तो ये पता चलता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, प्लानर रहेंगे, मैनिपुलेटिव रहेंगे, डिप्लोमेटिक रहेंगे, गुड गुड वे में। लेकिन अगर उसका आपने इस्तेमाल गलत कर दिया तो वो आपकी वीकनेस में आ जाएगा, जो कि आपके मोरालिटी के कार्ड में आया है। और आपको ये एडवाइस की जा रही है कि फैमिली परिवार की तरफ ध्यान रख के चलिएगा कि कहीं आपको कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप परिवार से हट के कुछ ऐसा कर जाएं काम जो कि उनके लिए नुकसान हो और आपके लिए भी नुकसान हो। तो ये एडवाइस है आपके लिए, ज़रा सोच समझ के आप काम करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई आँच आ जाए, आपके नाम पे कोई आँच आ जाए, कोई कहते हैं ना कोई इल बोल जाए, कुछ कुछ भी कह जाए, कुछ बदनामी हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा और लीगल केसेस से भी अपने आप को आपको बचा के रखना पड़ेगा। और फैमिली में जितना सौहार्द बना रह सके उतना सौहार्द बना के रखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, द पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, टू ऑफ वाटर मीन्स टू ऑफ कप्स। यानी कि आपके लिए ये लोग कह रहे हैं कि जो टू ऑफ कप्स, कप्स मीन्स रिलेशनशिप्स, इमोशनल रिलेशन, जहाँ से आप दिल से अटैच रहते हैं। तो आपके एंजल्स आपको ये मैसेज कह रहे हैं कि अपने, जैसे कि आपको ये वाले एंजल्स ने बताया था आप फैमिली हार्मनी, ये भी यही कह रहे हैं कि अपने रिलेशंस को समझा के रखिए, सजा के रखिए, मन में कुछ गिला मत रखिए, कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, लोगों को माफ़ कर दीजिए, आप भी खुश रहिए और उन्हें भी खुश रहने दीजिए। तो यानी कि सब कुछ आपके ही बस में है इस महीने, बस आपको सिर्फ ताकि इसमें बदमजगी ना आ जाए, आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा कि माहौल पूरा खूबसूरत बना रहे। तो चलिए अब हमारी दूसरी राशि है, हमारी दूसरी राशि है टॉरस। तो देखिए टॉरस के लिए स्ट्रेंथ वीकनेस और एडवाइस क्या आता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो मैंने नया ये शुरू किया है, पहले मैं करती थी माइंड बॉडी सोल, तो आज इस बार मैंने सोचा कि कुछ चेंज करते हैं। अगर आपको माइंड बॉडी सोल चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगी, पर अभी मेरे को लगा कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस और एडवाइस भी इस महीने होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉरस राशि की तरफ। टॉरस राशि के लिए देखते हैं उनकी स्ट्रेंथ का क्या कार्ड है, आपको दिखा के मैं रखूंगी, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है आपकी फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद वीकनेस, वीकनेस हमने दूसरे डेक से निकालना है, तो हमने दूसरे डेक से निकाला वीकनेस। क्या आया आपके लिए, कॉम्पिटिशन, क्या बात है। मैं तो ये देख रही हूँ दोनों कार्ड्स आपस में कितना मैच करते हैं। ये देखा आपके लिए एडवाइस, एडवाइस क्या रहने वाली है, आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं। ये एडवाइस आपके लिए आई है, एडवाइस आपके लिए आई है बॉडी मूवमेंट, ओके चलिए विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। फिर आपके लिए आया है एंजल्स ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, वो क्या कह रहे हैं, ये आर्कएंजल्स जो है क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या आपको कहना चाह रहे हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले टॉरस राशि वालों के लिए स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ है जी फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड मीन्स मेंटल पावर। इस महीने आपका माइंड इतना शार्प चलने वाला है टॉरस राशि, वृष राशि वाले, कि आप अच्छे अच्छे लोगों को पछाड़ देंगे। यानी कि
हरा देंगे, उनको पीछे छोड़ देंगे, उनको जो है अपना कहते हैं ना अपना फतह करके रहेंगे। इसमें देखिए यू कैन सी वेरी क्लियरली एक आदमी है, उसके हाथों में तीन तीन तलवारें हैं, पीछे दो हैं, वो बेचारे दोनों उदास हैं और जो है दोनों की तलवारें नीचे गिरी पड़ी हैं। वो इस क्लियरली ये बता रहे हैं कि ये जो आगे वाला पर्सन है ये जीत गया है, यानी उसने मेंटली बिना किसी एक्शन के उसने मेंटली इस तरह से जो है चीज़ों को किया है, प्लानिंग करी, काम किया, जो भी किया, एक्शंस लिए कि उस वो जीत गया और बाकी सब दुनिया हार गई, यानी कि पीछे जितने हैं उन सबको हरा दिया और ये विजय भव। तो ये इस महीने की आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, अपने पे भरोसा रखना, अपनी सोच पे भरोसा रखना। आप जो सोचेंगे वो बिल्कुल सही सोचेंगे, अगर अपनी सोच पे भरोसा रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन योर थॉट प्रोसेस माइंड। तो इस बार इस महीने आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करने वाला है। अब देखते हैं आपका वीकनेस क्या है, क्या कमजोरी रहने वाली है। कमजोरी भी आपकी कॉम्पिटिशन ही है, ये देखिए दूसरा कार्ड भी आपके लिए कॉम्पिटिशन ही आया है। कॉम्पिटिशन कह रहा है कि क्योंकि स्ट्रेंथ है कि आप कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, दूसरों को हरा सकते हैं, तो वीकनेस क्या है कि आपको दूसरों को हराना है, यानी कि ये दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ भी है कि आप हरा सकते हैं और वीकनेस भी है कि आपको हराना है। अगर आपने नहीं हराया तो आपको हो सकता है स्ट्रेस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, या आपको लगे कि अच्छा मैं नहीं फर्स्ट आया या मैं नहीं फर्स्ट आई, या मेरी बात नहीं मानी गई, या मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, या मेरे को किसी ने नमस्ते नहीं की, मुझे हेलो नहीं करी, मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, तो जो है टॉरस राशि वाले बहुत बुरा मान जाएंगे। तो कुछ कॉम्पिटिशन की भावना आपकी रहेगी, तो इस हद तक कॉम्पिटिशन को मत जान लीजिए कि आप बिल्कुल डल हो जाएं, डाउन हो जाएं। हाँ, अपने कंपटीशन को हेल्दी रखिएगा, बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन रखिएगा, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हैं। लेकिन अपने कंपटीशन को बिल्कुल भी वीकनेस मत बनाइएगा कि अगर आप नहीं जीते तो पता नहीं क्या प्रलय आ जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा। और देखिए हर कोई ना कोई तो जीतता ही है, कुछ होता तो कोई ना कोई तो जीतता ही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने आपसे बात नहीं करी या किसी ने इन्वाइट नहीं किया या आपको ना कहते ना कई बार हमारे ना यहाँ होता है चीज़ें होती नहीं है, हम यहाँ से इंसल्ट को ले लेते हैं, यानी कि हमको लगता है कि इंसल्ट हो रही है, पर हो सकता है अगले वाले पर्सन ने अगर कुछ आपको कहा या कुछ एक्शन किया, शायद आपको लगा हो इंसल्ट किया, हो सकता है उसने कुछ भी ना किया हो। तो अपने इसको अपनी वीकनेस मत बनने दीजिएगा। अब आपके लिए एडवाइस क्या आता है, आपके लिए एडवाइस आ रहा है बॉडी मूवमेंट। यस, बॉडी मूवमेंट मीन्स आप अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको कंपटीशन कर रहा है और आप वीकनेस है, आप हार रहे हैं, तो आप अगर आपको लग रहा है ना ये वीकनेस है, आप वीकनेस हो रही है आपकी, ये मतलब बहुत ज़्यादा आप इसको फील कर रहे हैं कि किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, हर्ट करा है, आप जाइएगा। बॉडी मूवमेंट मीन्स गो एंड टॉक, अपना पूरा पोर आउट करिए अपने। एक्चुअली जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, तब ये चीज़ें भी होती हैं कि आप ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मेरे को हरा दिया, मेरे को इंसल्ट कर दिया, मेरे को नहीं कोई पूछता, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बॉडी मूवमेंट मीन्स गो एंड टॉक। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, जब तक अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अगले बंदे को नहीं पता चलेगा, हो सकता है उसने कुछ किया ही ना हो, उसे पता ही ना हो। तो आपके लिए यही होगा कि आपको जो है बढ़ के आगे बढ़ के पूछना चाहिए, क्लैरिटी करनी चाहिए। क्लैरिटी करेंगे तो कभी भी नहीं पछताएंगे। देखिए एक बार अगर मन में कुछ बैठ जाए और उसकी आप क्लैरिटी ना करें तो वो लाइफ टाइम आपको परेशान करती है, इसलिए देर अंदर आपको क्लैरिटी जरूर कर लेनी चाहिए। तो ये था, अब आप देखिए आपका एंजल्स आपके लिए कह कह रहे हैं। आपके लिए आया है टॉरस फोर फाइव ऑफ वाटर। वो कहते हैं थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप्ड, नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन अ सिचुएशन, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। कोई वाली बात आ गई ना कि आपने कंपटीशन में उसको वीकनेस की तरह से उसको ले लिया, आपने उसको पॉजिटिविटी की तरह नहीं लिया। अगर आप उसको नेगेटिविटी की तरह अपने उस पर ईगो पे ले लेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आपने उसको अपने ईगो पे ले लिया तो आपको आगे परेशानी ही होने वाली है, इसलिए गो एंड टॉक, क्लैरिटी करिए। क्लैरिटी करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेंगे और आप भी सुखी रहेंगे, जिनसे भी आपको थोड़ा सा अगर कुछ ऐसी सी अनइजी सी सिचुएशन अगर कहीं पे पैदा हो जाए तो प्लीज़ गो और क्लैरिफाई करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी तीसरी राशि। हमारी तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज इसके लिए देखते हैं
क्या आ रहा है जेमिनाइज के लिए, देखते हैं क्या है, स्ट्रेंथ कैसी रहने वाली है, उनकी स्ट्रेंथ क्या कहती है इस अक्टूबर 2020। तो देखिए आपके सामने ही मैं कार्ड निकाल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। अब देखते हैं दूसरे अपने इसे कि आपके लिए वीकनेस क्या रहेगी अक्टूबर 2020 जेमिनाइज। देखें आपके लिए क्या वीकनेस रहने वाली है, तो हम वीकनेस देखें तो आपके लिए वीकनेस आ रही है स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रहा है, आपके लिए एडवाइस क्या आ रहा है, एडवाइस आपके लिए क्या आ रहा है आप ही मुझे बता दीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ, तो आपके लिए एडवाइस आ रहा है, दिस इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ओके। और आपके लिए जो हमारे आर्कएंजल्स हैं वो क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं, वो जो कि हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जेमिनाइज के लिए ये जो वीक है ये क्या लेके आया है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है। तो जेमिनाइज आपको मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है ताकत, हिम्मत, मजबूती और एक कहते हैं करेज, सब कुछ है आपके पास। ये जो अक्टूबर का मंथ है 2020 जेमिनाइज, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका घोड़ा देखिए, करियर का घोड़ा तेजी से दौड़ा चला आ रहा है, यानी कि जो भी आप अपने करियर के बारे में, काम के बारे में, लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप एक्शन भी ले रहे हैं, आप उस पर अपना घोड़ा दौड़ा चुके हैं, चल पड़े हैं, तो उसको दौड़ाइए दौड़ाइए, ये आपकी स्ट्रेंथ है और आप कर सकेंगे। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है इस महीने आप एक ना एक अपने ही उसमें रहेंगे, मस्ती में मेरा काम की मस्ती में रहेंगे कि मुझे काम करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। उसकी वजह से आप अपना जो है स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाएंगे। क्योंकि वॉन्स का जो एलिमेंट होता है वो फायर एलिमेंट होता है, आग होती है, और वो आग बिल्कुल भभक रही है, बिल्कुल ऐसे 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 हो रही है, यानी कि आप अपनी सही दिशा में दौड़े चले जा रहे हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप हिम्मत करके आगे चल रहे हैं। अब हम देखते हैं आपकी वीकनेस क्या है। वीकनेस के लिए आ गया आपके लिए स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया एक डर, एक घबराहट, एक ऐसा कि क्या हो जाएगा, एक बंद कमरा, एक जो कहते हैं ना एक फोबिया, इसको बहुत जबरदस्त एक फोबिया होता है ये, तो वो फोबिया भी है आपको। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऑल्दो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना करियर बहुत अच्छे आगे निकाल सकते हैं, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा नया रूप दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे एनी थिंग, बिकॉज दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। ये आप किसी भी चीज़ के साथ अपने लगा सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में। तो मोस्टली तो ये करियर ये दिखा रहा है क्योंकि ये वॉन्स है, तो बट इसको हम आप किसी भी वे में आप ले सकते हैं, जो भी जिस भी सिचुएशन को सोच के आपने ये कार्ड को उठाया है, जिस भी सिचुएशन को सोच के आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो ये उसी सिचुएशन के लिए है। क्योंकि हमारे कार्ड्स ना इंटुइटिव होते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि किसको कहाँ पे क्या जवाब चाहिए, और कुछ डिवाइन एडवाइस होता है, ये डिवाइन ब्लेसिंग ऐसी होती है कि आप उसी रीडिंग को सुनते हैं जिसमें क्या है आपको जवाब मिल जाता है। ये एंजल्स भी जो होते हैं हमारे बड़े करामती होते हैं, आपको उसी वीडियो तक वहीं तक ले जाके पहुंचा देते हैं जहां पे कि आपको जवाब चाहिए होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके अंदर बिल्कुल करेज है, बहुत जो आपका ये नाइट ऑफ वॉन्स है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन साथ में जो ये स्किज़ोफ्रेनिया आपने ऐड कर दिया, ये जो डर ऐड कर दिया, ये जो घबराहट ऐड कर दी, ये फोबिया ऐड कर दिया, इसके ऊपर आपको जीत पानी पड़ेगी। इसके ऊपर जीत पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, खूब सारा पानी पीना पड़ेगा, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा, देर तक नहीं सोना है, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और ना पॉजिटिव बातें करिए, अपना फ्रेंड्स में घूमिए और पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ में हाँ 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 बोलिए, ना 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 बोलिए, नाना 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 ज़्यादा करेंगे तो फिर वो नाना नाना हो जाएगा, हाँ 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 करेंगे तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चीज़ों के लिए हाँ हाँ करती जाइए, और देखिए आपके जो है डर के आगे ही जीत होती है। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए कहा है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। अगर आपको कभी कभी काम करते करते डर लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मैंने इतना एग्जाम कर लिया, मैंने इस रिलेशनशिप में ये दे दिया, मैंने ये स्टेप लिया तो कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तो उस
उससे बचने के लिए आपको मैंने कई चीजें बताई, उसके साथ साथ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को आप उजागर करिए। आपके अंदर बहुत दम है, आप जरूर आपकी जो हॉबीज हैं उनको आप उठाइए, निकालिए, सवारिए हैं और जिंदगी को संवारते चले जाइए। देखें आपके लिए आर्क एंजल क्या कह रहे हैं, वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके लिए आर्क एंजल हेनियल आए हैं, द हाई प्रिस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस, कंसिडर केयरफुली व्हाट यू वॉन्ट बिफोर एक्टिंग। कुछ भी करने से पहले पहले आप सोच लीजिए आप करने क्या जा रहे हैं, यानी फियर जो स्किजोफ्रेनिया है उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आप जीतना होगा, यानी डर के आगे जीत है, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। बहुत सारी तरीके हैं, वो मैंने आपको बताए। तो जेमिनी, अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, अपने सपनों को पूरा करिए, जो चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी चौथी राशि, हमारी चौथी राशि कैंसर राशि। तो देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए स्ट्रेंथ वीकनेस और एडवाइस क्या आता है। तो कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड हमें बताइए, एंजल्स हमें बताइए कि इनके लिए क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है। तो हमने जैसे ये निकाला तो पहला कार्ड हमने आपके लिए, और मेरा हाथ नीचे हो गया था, हाँ। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया, आपके लिए क्या कार्ड आया। द हैंगमैन आया कैंसर मीन्स आपके लिए, आपके लिए वीकनेस क्या है। लेट्स सी योर वीकनेस, लेट्स सी योर वीकनेस, लेट्स सी योर वीकनेस कैंसर राशि वाले, लेट्स सी योर वीकनेस, लेट्स सी योर वीकनेस। तो अगर आपके लिए वीकनेस दिखा लें तो क्या निकला है, ये निकला है आपकी हार्मनी। ओके ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है, कैंसर के लिए एडवाइस क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है इनर पावर, एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए आर्कएंजल्स क्या लेके आ रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आपको, वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो उनके लिए आप वो भी रख लिया, वो हम लास्ट पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे कैंसर राशि वाले कर्क राशि वालों के लिए स्ट्रेंथ क्या है इस महीने अक्टूबर 2020। तो आपके लिए आया द हैंगमैन, यानी कि स्ट्रेंथ है, आप हैंग्ड हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कंप्लीट स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कंप्लीट स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कंप्लीट कॉन्फिडेंस भी है, आप में ताकत बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी इस मंथ जो है आप ना चुपचाप होके बैठे हुए हैं, या मुझे किसी को नहीं बताना, कुछ नहीं कहना कि हाँ आपके अंदर कैपेबिलिटी पूरी है, क्योंकि ये उल्टे लटके हुए हैं और साथ में देखिए हाथ पांव अपने बांध के हैं, लेकिन जिसके साथ ये लटके हुए हैं वहां पे ग्रीन कलर के प्लांट्स क्लाइंबर, वो जो हैंगिंग प्लांट्स हैं वो लटक रहे हैं, यानी कि प्रॉस्पैरिटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है स्ट्रेंथ भी है, पूरी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन क्या है आपकी सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है आपने कह लीजिए अभी उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, हैंगमैन बन गए हैं, यानी कि सर को नीचे कर दिया है और पैर ऊपर कर दिए हैं, यानी कि पैरों से सोच रहे हैं और सरों से चल रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि बिना एक्शन लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एक जगह पे बैठे बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी आप जा नहीं रहे कहीं, दिमाग से कहीं पे पहुंच रहे हैं, कह लीजिए आपकी ऑफिस है, फैक्ट्री है, रिलेशनशिप है, या पैसा है, या प्रॉपर्टी है, या एनी फील्ड, कोई भी चीज़, या हो सकता है कि आपकी थोड़ी हेल्थ नासाज रहे, लेकिन हेल्थ नासाज होने के साथ साथ आप मजबूर हो कहीं जा ना सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी स्ट्रेंथ है कि उस हालत में भी आपके अंदर इतनी मेंटल पावर है कि आप पैरों से चल के जाएंगे, यानी कि यहां से सोचेंगे और वहां पे बात होगी, जैसे कि किसी ने ना कैमरा लगाए हुए हो जगह जगह पे, आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि कोई भी किसी भी तरह की कठिनाइयां आ जाएंगी, किसी भी तरह की हार्डशिप आ जाएगी, आप उसके अंदर हारने नहीं वाले। मे बी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कोई आपके सामने चैलेंजिंग सिचुएशन आई गई हो और आप उसमें जो है जो एक नॉर्मल कंडीशन में जाके एक एक्शन लिया जा सकता है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप बिना जाए भी, फिजिकली जाए बिना भी आप मेंटली जाके उस काम को कर रहे हैं और हिम्मत नहीं आ रहे हैं, यानी कि यू आर यूजिंग ऑल योर इंटेलिजेंस, योर माइंड को ही उन्होंने पैर बना के यू आर वर्किंग वेरी वेल, आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है। अगर हम देखें कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस है हार्मनी। यस, शायद आपकी वीकनेस हार्मनी है ना,
तो इसलिए आप ना जाके कोई काम नहीं कर रहे, कोई ब्लॉकेज है, कोई रुकावट है, कोई आपको रोक रहा है. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी सिचुएशन, इट कैन बी एनी थिंग. कोई पर्सन हो सकता है, कोई पैसों की बात हो सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, कोई हारी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं. बट कहते हैं ना, हमारा शरीर यहाँ है और हम जो है एस्ट्रल जर्नी के थ्रू हम दूसरी जगह पे पहुंच गए हैं. तो वैसा कंडीशन हो सकता है और आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वीकनेस है हार्मनी. यानी आप इसलिए नहीं जा सकते, इसलिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जाके कुछ काम नहीं कर रहे हैं. वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि आप शांति चाह सकते हैं. ज़रूर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपकी हार्मनी को खराब करता हो. आपको लगता हो ये अब कुछ कहना शुरू करेगा या करेगी, अब ये इसके अंदर मीन मेट निकालेगा. यानी उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना, लेट गो भाई, शांति रहे, चुप रहो. सब लोग ऑफिस में, घर में, इधर उधर, फ्रेंड्स कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, कि कोई कुछ कहे ना, चुपचाप से चीज़ें हो जाएं और कुछ कहना भी ना पड़े. यानी कि कुछ कहना भी ना पड़े, चीज़ें भी हो जाएं, वो वाली सिचुएशन आप चाहते हैं. तो आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है वो मैं आगे बताती हूँ. तो आपके लिए एडवाइस आई है कर्क राशि वालों, इनर पावर. यस, इनर पावर तो आपके अंदर है. ये आपके जो ये कार्ड है द हैंगमैन, कितना क्लियरली बता रहा है, इनर पावर तो आपके अंदर है. एक जगह बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हो, माइंड से सब कुछ कर रहे हो. हाँ, और वो भी किस लिए, क्योंकि आप फिजिकली किस लिए नहीं जा रहे हो, या बहुत ज़्यादा लोगों के सामने इन्वॉल्व होते क्यों नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आप हार्मनी चाहते हो, शांति चाहते हो. कई बार होता है ना कि हम शांति चाहते हैं तो इसलिए किसी बात को उखेड़ते नहीं है, घर परिवार में भी या ऑफिस में भी, कि भाई सब चुपचाप रहे, मैंने ये कहा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने वैसे कहा तो कुछ ऐसा ना हो जाए. तो उस शांति को बरकरार रखने के लिए इससे मेरे को एक बात याद आ गई. जैसे मोस्टली ना मदर्स करती हैं घर के अंदर, कि बच्चा जो है कुछ शरारत कर लेता है या स्कूल से शिकायत आती है, तो वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती हैं. वो इसलिए नहीं बताती कि बच्चे को, बेटे को, बेटी को डांट पड़ेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा. तो पता नहीं क्यों, करते करते मुझे एकदम से ध्यान आ गया. तो बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है कि हार्मनी चाहिए, इसलिए वो पापा जी को नहीं बताया जाता कि भाई साहबजादे ने, साहबजादी ने कुछ किया है. बस उसी को सोच लीजिए, जो कैंसरियंस है हमारे इस टाइम, ऐसे ही उनका रहेगा. तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्क एंजल क्या कह रहे हैं. आर्क एंजल आपके लिए कह रहे हैं सिक्स ऑफ वाटरमैन, सिक्स ऑफ कप्स, पुरानी यादें, मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड इश्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन. मैंने तो ऐसे ही बोला था, देखिए बच्चों की बात ही आ गई. तो रिमेम्बरिंग द पास्ट, हो सकता है कि कोई पुरानी बात उखड़ गई हो, तो उसको ठीक ठाक मेंड वेंड करने के चक्कर में. कैंसोरियन मोस्टली हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा ये, कुछ जो कैंसरियन है उनके साथ हो सकता है कि पास्ट को मेंड करने के लिए चुपचाप होके, बिल्कुल हैंगमैन होके, सेक्रीफाइस करके सब कुछ चुपचाप बैठे हैं कि अभी मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. हाँ, और चुपचाप उन चीज़ों को मेंड भी कर रहे हैं, शांति 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 से, ताकि हार्मनी बनी रहे. क्योंकि वीकनेस क्या है, कि शांति रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे. तो ये दिस इज फॉर यू कैंसर राशि, कर्क राशि के लिए. आई होप आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट किया. तो चलिए अभी के लिए ये चार राशियाँ मैंने आपके सामने रखी, अब चार राशियाँ मैं और लेके आऊँगी. और अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा. और मुझे बताइएगा स्ट्रेंथ, वीकनेस और एडवाइस आपको कैसा लगा, ये थ्री कार्ड रीडिंग आपको कैसा लगा, जबकि थ्री कार्ड है लेकिन फोर कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ. और जस्ट लेट मी नो प्लीज़. हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग.